Assalamualaikum. 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 मेरा नाम हामिद मुनीर. मेरा मोहम्मद हफीज. जो कहते हैं हार मोहम्मद कैप्टन. श्री अजेक्टर्स. बैक विद अ न्यू वीडियो. बैक विद गोइंग कोरिया. बैक विद रिएक्टिंग टू मीम कमेंट्स प्लस रोस्ट वीडियो. यस. अब आई थिंक ये रोस्ट वीडियो किसी ने इन पे रोस्ट किया होगा जो इन्होंने कहा है. और मीम कमेंट्स मतलब जो के जिनमें ये कहती है को ताली. हाँ, मतलब कुछ लोग होते हैं जो मीम कमेंट्स कर देते हैं. कुछ ऐसा कुछ को आदत होती है कि वो दूसरों को देख के खुश होने की बजाय हसद करते हैं. उनको रोस्ट करना तो फिर क्या ही बात. यस, तो फिर देखते हैं. और वैसे भी पूरी हमारी फेवरेट है. चाय वीडियो इधर चलते हैं. बैलेंस लिख रहे हैं. चाय फैमिली स्टाइल. Yeah.
आगे जॉब करने के लिए। मैम का ब्लॉग बनाती है, मुझे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे का प्रॉब्लम होने भी नहीं चाहिए। और सब ओवर एक्टिंग, पर उनकी ओवर एक्टिंग देख कर कसम से यार, ये हद तक लगता है कि कोरिया में ऐसे ऐसे लोग भी रहते हैं। वाह बेटा, आपने मुझे ओवर एक्टिंग देखने बोला, प्रूफ इन कोरिया बोला, 3 साल की बच्ची बोला, मैंने सही है क्योंकि वैसे ही मेरी हर चीज बेचती होती है, जिसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन आपने ऐसा क्यों बोला कि अरे कोरिया में भी ऐसे लोग रहते हैं? तुम मेरी रोस्टिंग कर रहे हो या कोरियन लोगों की रोस्टिंग कर रहे हो, पहले ये डिसाइड कर लो। आस पास के लोग जितने भी जाएंगे उनको लिपा लपी लकड़ा लगती है, बहन बिल की जो बहन बहन की जो मर्जी बोलकर जो है बॉडी शेयरिंग करती है मोटा मोटी। बॉडी शेयरिंग मैंने इंटरेस्ट की बॉडी शेयरिंग करी मतलब कि अब बेटा तुम मेरी वीडियो देखते भी हो या नहीं देखते, मतलब कि सोच समझ कर बोला करो। हाँ लकड़ा लकड़ी लड़ना लड़नी जरूर बोला, लेकिन मैंने कभी भी किसी को मोटा मोटी नहीं बोला। रिसर्च तो ढंग से कर लिया करो। एंड इसके चैनल में फ्लेक्सिंग, ओ हो हो, और सी बी सी ऑरेंज फूड चैलेंज, आई स्पेंड 6,500 रुपीज, ओ हो हो, कितने पैसे हैं मैडम के पास, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम ये पैसे देख भी नहीं सकते। हाँ बेटा नहीं थे पैसे तेरे पास, 3 साल की बच्ची के पास कितने पैसे होंगे बता रहे? लॉलीपॉप खरीदने के लिए भी पैसे मम्मी पापा से मांगने पड़ते हैं। और ये क्या सिस्टम है, सारे खाने सारे जितने भी सामान है उन सबका नीचे जो प्राइस दिखा देती है भाई, हमें कोई थोड़ी ना कोई दिलचस्पी है, हमें ये देखना है। मैं प्राइस इसलिए लिखती हूँ ताकि मैं आपको एक प्रैक्टिकल जानकारी दे सकूँ कोरिया के बारे में। हाँ कोरिया इतना महंगा है, कोरिया इतना सस्ता है। मैं कोई शॉप खरीदने के लिए नहीं लिखती, मैं खुद एक गरीब इंसान हूँ। और ये वीडियो हिंदी में बनाती है, पहले इंग्लिश में लेकिन आज हिंदी में, लेकिन हिंदी छोड़ो इंग्लिश में इसे ठीक से प्रोनाउंसिएशन। क्या क्या नहीं आती मुझे, क्या बोला आपने मुझे, प्रोनाउंसिएशन नहीं आती बेटा, खुद पहले प्रोनाउंसिएशन बोलना सीख लो, फिर बाद में मुझे रोज कर लो, मैं टोटली संतरे जैसे लगेगी। अबे छी छी छी, कोई प्राइवेसी नाम की चीज है कि नहीं, इसलिए तो सारे ठगी लोग इसके चैनल में भरे पड़े हैं। अबे मेरे सब्सक्राइबर्स को मत जाना, बोला ना कि सब्सक्राइबर्स को मत जाना। थैंक यू लाइक फॉर एंड थैंक यू ब्रो, मेरे बारे में कुछ भी बोलो चलेगा, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर बारे में, मेरे भक्त, मेरे पंखे एसी कूलर के बारे में इतना मत बोलना। मैंने वीडियो में इतना सा स्किन क्या दिखा दिया कि प्राइवेसी की बात करने लग गए और खुद स्टार्टिंग में वो नंगी बिल्ली के साथ खेल रहा है। शब्द आते हैं मुझे, इतनी शर्मिंदगी है मेरी। हाँ इसका मतलब अगर आपने भारत देश में ठीक से प्रोनाउंस कर दिया तो आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। गुड जॉब, गुड जॉब। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? हाँ वही तो मैं बोलना चाहती हूँ, आपको क्या तकलीफ है भाई? अगर आप मेरे कोई सब्सक्राइबर जाना तो शायद आपको मेरी स्टोरी के बारे में पता ही होगा, लेकिन जब भी मेरी पूरी एजुकेशन है ना वो मैंने हिंदी में कम्प्लीट करी है, क्योंकि मैंने हिंदी सीखी पूरी रोस्टेड वीडियो फॉर पर्पल माउथ थी।
ये आई थिंक कोई 7-8 साल का होगा, इससे बड़ा तो नहीं होगा ये। लेकिन हमने उसके जाके चैनल में देखा है, अच्छा भी हुआ। हाँ 167K वो व्यू ले गया 800 सब्सक्राइबर्स के साथ, मतलब के ओ, इसका मतलब उस बच्चे ने अच्छी ट्रिक लगाई कि पू ट्रेंड पे आ दो। यस, और पू को रोस्ट किया जो कि रोस्ट हुआ भी नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, ट्राई अच्छी थी। ऊपर से रोस्ट कर दिया और वो कमेंट्स, मीन कमेंट्स है उसको भी अच्छे तरीके से जो है। हाँ, अगर वो अपने उसके ऊपर नहीं लेती, अपने ईगो के ऊपर नहीं लेती, क्योंकि उसको भी पता था ये छोटा बच्चा ये कितना गुजर लेगा उसको, जो जो उसके बच्चे को समझ आई बच्चे ने अपनी तरफ से करने की कोशिश की। वो एक मैच्योर क्रिएटर के तौर पर अपने आप को साबित करवाती है, बहुत अच्छी बात है ये भी। यस, क्योंकि बहुत सी ऐसी अब्यूजिंग लैंग्वेज थी जिनको उन्होंने बहुत ही अच्छे मीन्स में आके बताया, लेकिन अच्छी बात है, लेकिन करनी नहीं चाहिए यार आपको किसी भी क्रिएटर के पास जाके, अगर आप खुद नहीं कर सकते हो तो। जब वो गर्ल क्रिएटर हो तो आपको ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं करनी चाहिए। आप वैसे अगर अपना गुस्सा निकालना चाहते हैं तो आपको छोड़ लिख के गुजारिए, देखो ही ना उसे, अगर आपको इतना ही गुस्सा आ रहा है आपसे नहीं बर्दाश्त उसकी सक्सेस तो आप देखो ही ना। यस, तो आप उसको या तो रिस्ट्रिक्ट कर दो या आप अपने चैनल पे लाने ही छोड़ दो, सीधी सी बात है, आप कुछ और देखेंगे तो आपको वही शो होगा, आप उनकी तरफ देखो ही ना। बाकी आप अपना काम करो, वो अपना काम करें, जो लोग देखते हैं उनको देखने दो, सेम हेयर भी बिल्कुल, जो लोग हमें नहीं पसंद करते तो कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं, जो देख रहे हैं उनको उनके दबाव में खड़ा ना। यस, बाकी वीडियो देखते हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें।